बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक्कानी ब्लॉग के साथ मैं हूँ अब्दुल हक हक्कानी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ सिंधी डेरे में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हमें सकाफती रंग देखने को मिलता है। नाजरीन, इसकी साख के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी तामीर बहुत बारीकबीनी के साथ अंजाम पाई। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ से बनाया होगा ये जो इतना खूबसूरत नज़र आता है, कि इसमें न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, न इसमें ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है और न इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी इतना खूबसूरत ये नज़र आता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है, इसमें इस्तेमाल किया गया है बांस, छोटे छोटे बांस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर टेबल, कुर्सियाँ और टोकरियाँ वगैरह सब कुछ बांस का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें बांस के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये आज मैं सिंधी डेरे में आया हूँ और अभी अंदर चलेंगे। आप भी हमारे साथ देखिए कि अंदर क्या है, अंदर का माहौल क्या है, कितना खूबसूरत जो बाहर से खूबसूरत या नज़र आता है, क्या अंदर भी इतना खूबसूरत है या नहीं, ये हम अंदर जाकर ही डिसाइड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, हमने देखा कि अंदर का माहौल कितना खूबसूरत और कितना दिलकश है। आइए हम अभी सिंधी डेरे के रूम्स आपको दिखाते हैं। सिंधी डेरा में 4-5 रूम हैं और वो इतने छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत रूम हैं कि इधर 4-5 बंदे ही बैठ सकते हैं। और ख़ूबसूरत इतने बनाए हैं कि इसका कोई मिसाल नहीं है। ये बाहर शहर में भी 4-5 टेबल और 4-5 कुर्सियां रखी हुई हैं कि इसकी खूबसूरती बयान करते हुए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती आपके सामने बयान कर सकूं। आप ख़ुद ही देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकें। और अभी हम जाने वाले हैं बावर्ची खाने की तरफ। इंजॉय करें। Yeah.
हमारा सिंध दे रहा है, इसकी ओपनिंग यकम तरीक हुई थी माशाल्लाह। ये पीछे फ्रंट से किचन है, ये हमारे सुफियान भाई हैं, वो चाय एक दूर पे बैठा हुआ है अशवाक भाई, वो चाय ये हमारा साहब जो है वो पीछे, ये सौरभ भाई हैं, ये फेम जी हाल है, वो पीछे हमारा बैक आता है, बस शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल हक्कानी व्लॉग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बासानी पहुंच सके। अपने मेज़बान अब्दुल हक हक्कानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।